नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसा हमला होने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। और वहां क्या क्या हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ ही साथ भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के 2000 करोड़ जब्त किए हैं, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकतें अभी भी जारी हैं और भारत में घुसने की एक के बाद एक नई नई कोशिशें की जा रही हैं, मगर बॉर्डर पर मुस्तैद हमारी सुरक्षा बल इन आतंकवादियों को करारा जवाब दे रही है। तो दोस्तों, इसी बीच एक ऑपरेशन के दौरान भारतीय जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जवानों ने बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक बड़े आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। तो दोस्तों, ये आतंकी फिर से पुलवामा जैसा हमला करने की साजिश बना रहे थे, मगर इनके आतंकी हमले को अंजाम देने से पहले ही भारतीय जवानों ने इन्हें पकड़ लिया। और दोस्तों, इस ऑपरेशन के दौरान एक दो आतंकी नहीं बल्कि पूरे के पूरे 7 आतंकवादी पकड़े गए हैं। और शुरुआती पूछताछ में ये पता चला है कि ये आतंकवादी अलबद्र आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ ही साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि पाकिस्तानी स्थित हैंडलर यूसुफ बालोसी और खुर्शीद ने उन्हें अलबद्र में और नए युवकों को जोड़ने और साथ ही आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने का ऑर्डर दिया था। और दोस्तों, साथ ही अभी भी जम्मू कश्मीर में और आतंकवादियों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान कभी घुसपैठ की कोशिश LOC से करता है तो कभी ये समुद्र के रास्ते से। और हाल ही में मैंने आपको बताया था कि भारतीय जवानों ने 11 पाकिस्तानी बोटों को अपनी हिरासत में लिया था। और दोस्तों, अब NCV और नेवी को ज्वाइंट ऑपरेशन में बहुत बड़ी सफलता मिली है और भारतीय नौसेना ने भारी भरकम मात्रा में 763 किलो ड्रग्स जब्त किया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, अगर NCV की मानी जाए तो ये उनका पहला ऐसा ऑपरेशन है जिसमें उन्हें समुद्र के रास्ते से ड्रग्स तस्करी के इनपुट मिले थे। जी हाँ दोस्तों, ये ऑपरेशन NCV ने इंडियन नेवी के DDG संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में किया है। और दोस्तों, ये ड्रग्स तस्कर पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स तस्करी का काम बहुत समय से कर रहे हैं और इस बार इन्हें गुजरात में स्थित पोरबंदर कोस्ट से पकड़ा गया है। तो दोस्तों, NCV के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन ड्रग्स में 529 किलोग्राम हाई क्वालिटी की चरस और 234 किलोग्राम क्रिस्टल मेथामफेटामाइन है और कुछ मात्रा में हीरोइन भी शामिल है। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इन सभी बातों पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।